ए तुम बराबर से बोल नहीं सकते क्या? हकलाते हो क्या? कौन? मैं? नहीं तो मोर। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। मोर की चोंच लंबी और भीनी होती है। मोर 1.5 फुट का होता है। सावन के महीने में मोर को देख के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे मैं आपको देख के हुआ हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। स्त्री तू कल आना, इस बार मर्द को दर्द होगा बॉस। सीरियसली स्पीकिंग, इस ट्रेलर का मुझे इतना बेसब्री से इंतजार है। मुझे पता है 5:30 बजे से और 6 बजे से लोग इसके ट्रेलर लॉन्च में पहुंच चुके हैं। लाइव इसके ट्रेलर को दिखा दिया गया था, लेकिन बॉस अभी अभी मैडॉक फिल्म्स पे इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। दिनेश विजन जी की कंपनी है एंड बॉस द ट्रेलर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे चैनल पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम है मेरे को इंग्लिश फिल्म देख के मेरी फटती नहीं है। मैंने अच्छे से अच्छे इंग्लिश फिल्म, चाहे एनाबेल क्रिएशन क्यों ना, उनको 1-1 स्टार दिया है। तो मुझे अमेरिकन भूत देख के डर नहीं लगता। लेकिन बॉस इस ट्रेलर में एक ही सीन है जब उन्होंने साड़ी हवा में लटक रही, अंदर कोई नहीं है। वो एक ही सीन काफी था मेरी फाड़ने के लिए। मेरी क्या, एंड में एंड का एक सीन है जब राजकुमारों को बोलते हैं, ए भूत की आंखों में आंखें डाल के देख, भूत की आंखों में आंखें डाल के देख। बोलता है, यार हमारी गांड फटी हुई है, तुम भूत की आंखों में आंखें डाल के देखने बोल रहे हो। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई मीन इतनी इनोवेटिव फिल्म गाइस बॉलीवुड में बननी चाहिए, इतना बेहतरीन। और इस गाइस जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगा है मिक्का सिंह का एक गाना है, उसकी आवाज। चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ट्रेलर का रिव्यू शुरू करते हैं। तो गाइस, फिल्म का नाम है स्त्री। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और गाइस इसको डायरेक्ट किया है अमर कौशिक जी ने, और उसको प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जी ने एंड राज एंड डीके। कौन सी पिक्चर है? गो गोवा गॉन, यस, शोर इन द सिटी। बहुत अच्छे डायरेक्टर है गाइस, इनकी फिल्में काफी ऑफबीट रहती है। इसमें है राजकुमार राव जो बने इस पिक्चर में टेलर, यहाँ कह के दर्जी, और उनका भी एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है। मैं ट्राई करूंगा इसे बोलने के, लेट्स सी इफ आई कैन डू इट और नॉट। राजकुमार राव को पूछते, अरे तुम्हारे यहाँ टेलर की दुकान में क्या क्या सिलता है? हमारे टेलर की दुकान में सब सिलता है, घाघरा, लहंगा, चूड़ीदार, पटियाला, अनारकली, पाकिस्तानी सलवार, घरारा, शरारा, लॉन्ग कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता, डिजाइनर पैंटी, नाइट फॉल। नाइटी का फॉल, एक नंबर डायलॉग। राजकुमार राव जैसा जो एक्टर है गाइस, वो ढूंढने से मिलेगा, वो बहुत बेहतरीन है। श्रद्धा कपूर, वाओ, इट इज अ डिलाइट टू सी श्रद्धा कपूर ऑन स्क्रीन। आई मीन कितने सालों के बाद श्रद्धा कपूर स्क्रीन पे आई हो। हसीना पारकर, मैं गुस्सा आ गया था फिल्म देख के। श्रद्धा कपूर इज अ गॉर्जियस वुमन एंड शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस फिल्म में अगर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव कम नहीं पड़ रहे तो गाइस, पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में धमाकेदार काम किया है। ये वही आदमी है जो स्टार्टिंग में ट्रेलर के बोलता है, तुम लोग की जनरेशन फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया, सेकंड टाइम में सब कुछ हो गया। एक नंबर डायलॉग है। लेकिन गाइस, अपार शक्ति खुराना भी है इस ट्रेलर में, जो कि एब्सोल्युटली अमेजिंग है। दंगल में भी था वो। इसमें एक सीन है, राजकुमार राव बोलता है, मुझे उसने कहा प्यार से, तो वो बोलता है प्यार से, बोलता नहीं 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 प्यार से, बोलता प्यार से, बोलता तुम्हें प्यार की भावना ही नहीं है। सो गाइस, ट्रेलर की शुरुआत होती है किस तरह से एक बहुत बड़ा एक रिडिकुलस फिनोमेन है, यानी कि एक औरत है जो साल में मेले के टाइम पे, पूजा के टाइम पर सिर्फ एक ही बार आती है, और आदमियों को जब वो नाम से पुकारती है और आदमी लोग पीछे घूम के देखते हैं, तब तो उसकी आंखों में आके देखते हैं तो सिर्फ उन आदमियों के कपड़े बचते हैं, आदमी गायब हो जाता है। अब वो भूत है, चुड़ैल है, क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। गाइस, जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। फिल्म की स्टार्टिंग के ट्रेलर में दिखाया जाता है एक टेलर की कहानी, राजकुमार राव की, जिसे मेले में प्यार हो जाता है श्रद्धा कपूर के साथ। बॉस जो गाना है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मिक्का का जो गाना है ना, तेरे बारे में सबसे सुना है, सबको पता है, तू अप्सरा है, मिलेगी मिलेगी तुझको भी मिलेगी, होगा चमत्कार। ये गाना जब लॉन्च होगा ना गाइस, रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, फाड़ देगा, जिस तरह से मिक्का सिंह गाया है। और गाइस, कॉस्ट्यूम पहना है श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने, वो गाने में एक नंबर। राजकुमार राव डांसिंग, अरे क्या नाचा बंदे ना श्रद्धा कपूर, लुकिंग गॉर्जियस। आई थिंक उसको ग्रे लेंस पहना है आंखों में, शी लुकिंग रिवेटिंग। और गाइस, दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है श्रद्धा कपूर, सिर्फ पूजा के दिन साल में एक बार आती है। तो लोगों के मन में सवाल हो जाता है, क्यों तेरी गर्लफ्रेंड पूजा के दिन साल में एक बार आती है? और उसके बाद इनको पता चलता है कि यही लड़की है वो एक चुड़ैल है,
या फिर एक भूत है। और गाइस जो पहला सीन आता है वो पंकज त्रिपाठी बोलता है बस ये जब आएगी यू नो चार दिन, अगले चार दिन में शिकार करने निकलेगी, तब सब लोग अपनी दीवारों पे लिखते ए स्त्री तू कल आना, ए स्त्री तू कल आना। वो क्या है ये गाइस इतना समझ में नहीं आ रहा है ट्रेलर में, लेकिन जब वो बुलाती है नाम से पीछे नहीं देखना, और एक सीन में जब पीछे देखते है साड़ी लटकते हुए, ये पिक्चर फाड़ेगी गाइस, क्योंकि इसमें भूत जब दिखेगा ना लगने वाली है। रागिनी MMS 1 2 चिटकिन नाई भूत, इतनी इंडियन पिक्चर जो हॉरर रहती है ना मेरे को बहुत डर लगता है देख के, और ये फिल्म में भी काफी मजा आने वाला है गाइस। और एंड में जब वो चुड़ैल उसके ऊपर बैठी है राजकुमार राव के, यू नो एंड राजकुमार राव ऐसा देख रहा है, पंकज त्रिपाठी बोलता है उसकी आंख में आंख डाल के देख, बोलता है हमारा गांड फटा हुआ है, हम आंख में आंख कैसे डाल के देख सकता है। बॉस 3 का ट्रेलर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड मैन, ऐसी फिल्में बनाओ यार, बहुत अच्छा लगता है ट्रेलर देख के। कितने स्टार्स, 5/5 stars मैन 3 ट्रेलर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नया चैनल है मैडॉक फिल्म्स, 1000 सब्सक्राइबर है, सपोर्ट करो जाके। और जितने भी यू नो श्रद्धा कपूर के फैंस है, इनक्रेडिबल ट्रेलर, August 31st को आने वाली है फिल्म, ट्रेलर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ लाइक करो। कैसा लगा आपको ट्रेलर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके गाइस, एपिसोड पसंद है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिमियाम साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।